तीसरी है एक झटपट हम निम्को तैयार करेंगे। डाल के दीजिए और बच्चों के लिए बेतहाशा हेल्दी, बच्चे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। ये फौजी कॉर्नफ्लेक्स के साथ ना सिर्फ कि आप सीरियल्स बना रहे हैं और इसे ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर रहे हैं, बल्कि अब निम्को और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की हम कोटिंग भी कर रहे होते हैं। जैसे हाफ पैकेट। अच्छा, यहाँ पे पैन हमारा गर्म हो रहा है, अभी इसको बेटे रखिएगा। इसमें डालेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून। अभी मैं इसको यहीं रख रही हूँ, इसकी वजह यह है कि मुझे बार बार उठाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं फ्राई, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। पॉपकॉर्न तो नहीं बन जाएगी? नहीं नहीं, पॉपकॉर्न नहीं बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी हुई हुई है ये। अच्छा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डालना चाहते हैं इसमें ना। तो मेरे पास पीनट्स या बाकी पीनट्स या जो भी चीज़ें, जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। बस इसको मैं इतना सही फ्राई करूँगी और इसको डालेंगे हम इसके अंदर। फौजी कॉर्नफ्लेक्स में एक बोल में आपको फौजी कॉर्नफ्लेक्स ले लें, उसके बाद ये पीनट्स फ्राई करें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, और उसके बाद अब जो जो चीज़ आप फ्राई करते जाएंगे वो इसमें सब इसमें डालते चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, खुशबू बड़ी अच्छी सी आनी शुरू हुई एकदम से, पीनट्स थी ना। हाँ, अब जाएगा ये इसके अंदर नारियल, ठीक है। सब टू यू कि आप कितना पसंद करते हैं। ये भी तकरीबन हाफ अ कप के करीब मैं इसमें नारियल डाल रही हूँ। इसको भी हम हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, वरना आपको पता है कि फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हल्का सा करेंगे इसको भी ना, चलेगा बस। और ये बहुत जल्दी ये चीज़ें जलना शुरू हो जाती है, देखा आपने। मैंने हालांकि कोकोनट तो बहुत जल्दी ये देखा आपने, मैंने कितनी जल्दी इसको निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो गया। चले जी, ये हो गया। अब हम इसमें करेंगे कड़ी पत्ता। आपको पता है निम्को के अंदर कड़ी पत्ता पड़ा होता है, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। ये हो गया, अब जाएगा इसमें ये कड़ी पत्ता। हाँ, ये उछलेगा, ये उछलेगा। ये भी हम डाल लेते हैं इसके अंदर। चलें जी, ये भी फ्राई हुआ। अच्छा, ये भी फ्राई हो गया। साथ ही इसमें हम एक काम ये करते हैं, यहाँ हटा देते हैं, और ये है सफ़ेद तिल, ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये भी मुझे हल्के से करने हैं, वरना आपको पता है कि ये जो, अच्छा, तिल का ये है कि जब भी आपको भूनने हैं और आपको क्वांटिटी चाहिए 2 टेबल स्पून, तो तकरीबन आप 2.5 से 3 टेबल स्पून लें, कि ये उछल कितना रहे हैं और बाहर गिरते बहुत हैं। ओ वाह, ये हो गया, 2.5 से 3 टेबल स्पून लें, क्योंकि आधा तो बाहर आता तो बाहर गिरता है ना, ये चला गया। अच्छा, चलिए इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। वाह, तो ये बहुत ही गर्मा गर्म मज़ेदार सा निम्को है, इसे बना के रख लें और इंजॉय करते रहे, बहुत ही मज़े का। अच्छा, और ये एक हेल्दी निम्को बना रहे हैं। हेल्दी बिल्कुल। हाँ, अब ये जाएगा चाट का मसाला, सब टू यू के कितना डालना चाहते हैं। मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून डालूंगी। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी, ये गई तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, मैं तो अभी गरम गरम में डाली, लेकिन जब आप घर में बनाए ना, तो उसको बहुत ज़्यादा आपने गरम में नहीं डाला, वरना चीनी पानी छोड़ देती है, जो आपके निम्को को ख़राब कर देगी। चलें जी, ये बेहतरीन सा हमारा तैयार हो गया है, और आप उसको एंजॉय कीजिए जो आपने फ्राई किए हैं।